देश का माल खाया है वो देश को लुटाना पड़ेगा, वंचितों गरीबों देश के साधनों का दुरुपयोग जिन्होंने किया, 12 लाख करोड़ रुपए क्या देश के खजाने से लूट हुए 2004 से 2014 कांग्रेस रजीम में, श्रीमती सोनिया गांधी की कठपुतली सरकार देश के खजाने को लूटती रही, चाहे वो गस्ता हो चाहे कोई और घोटाला, जिन्होंने घोटाले किए हैं देश के खजाने को लूटा है, वंचितों दलितों गरीबों किसानों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े पद पर बैठा हो या बड़े से बड़े गोत्र का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में 117 सीटें लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के आशीर्वाद में और जेपी नड्डा जी और अश्विनी शर्मा जी के नेतृत्व में पंजाब में चल रही है। हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, 23,000 बूथों में भारतीय जनता पार्टी अग्रिम आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हम 2022 में पंजाब में सरकार बनाएंगे। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।